हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया है और आपने एक सेंटर खोल लिया है या आप पुराना चला रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, रजिस्ट्रेशन की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पुराने वीडियो बना चुके हैं, वहाँ आप अब देख सकते हैं, ठीक है। अगर नए हैं तो उनको आप देख लीजिएगा, पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको तो सब पता ही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या कराना है, अब देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर करानी है। जैसे रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, कोई सा भी सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, कुछ भी हो गया आपका, फिर आपको कराना होगा एक ISO सर्टिफाइड, ठीक है। ISO सर्टिफाइड वैल्यू बढ़ाने के लिए होता है, और आप उसका लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ISO 9001:2015 आप सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का बैनर भी लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपके इसमें बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ISO सर्टिफाइड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए ISO से होता क्या, ISO से क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, आपके सेंटर की वैल्यू बढ़ती है। और जो स्टूडेंट आता है तो वो ISO सर्टिफाइड देखता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पास आने की संभावना बढ़ जाती है कि आपका ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो पहला काम आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ISO सर्टिफाइड कराना है, और IF वाला कराइएगा, ठीक है। नॉन IF कोई ज़्यादा वैल्यूबल नहीं करता है, तो अगर आपको IF कराना है, अगर आपका IF है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अगर आपको ISO की कोई रिक्वायरमेंट, तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, साइट फ्लैश हो रही है वहाँ आप कांटेक्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे रेट में हम आपको IF वाला ISO दिला देंगे। हमने अब तक बहुत सारे सेंटर्स को, गिनती नहीं है, इतने सारे सेंटर्स को हमने ISO सर्टिफाइड करा रखा है, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी, आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट, फुल मैनेजमेंट वेबसाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने दो चार पेज की साइट बना ली, ठीक है, या फिर आपको बनानी आती है, आपने वर्डप्रेस पे बनवा ली, तो उससे काम आज की डेट में नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिसमें क्या हो, QR कोड हो, उसमें स्कैन करे स्टूडेंट और अपने सर्टिफिकेट तक पहुंच जाए, अपना वेरिफिकेशन बुक कर सके, वहीं से डाउनलोड भी कर सके वो, ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सके, ठीक है, उसको एडमिट कार्ड भी मिल सके, उसको ID कार्ड भी मिल सके। क्योंकि सारी चीज़ें आप दोगे तब वो स्टूडेंट उस चीज़ को वैल्यू समझेगा कि ये सेंटर प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड है और ये अच्छे वे में चल रहा है। एक प्रोफेशनल लेवल में, एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है, जो हम लोग वेबसाइट बनवाते हैं, जो हमारी टीम है बनाती है, ठीक है। तो उसमें हम ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप अपने तरफ से ऑटोमेटिक, उसमें आपका सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है, आपकी जो ID कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है, QR कोड जनरेट हो जाएगा, और जो आपका जो मार्कशीट वगैरह है, डिप्लोमा वगैरह जो आप देंगे, वो भी सब चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक जनरेट जो हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी उसमें बेनिफिट होते हैं, तो आपको वो भी अगर बनवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट, एक बार आप डेमो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपको कुछ टाइम मांगेगी, उस टाइम पे आप जब अवेलेबल होंगे तो एनी डेस्क पे हम लाइव इसमें डेमो दिखाते हैं, तो आपको वो दिखा देंगे, फिर आप अपना जज करिएगा आपको कराना है या नहीं कराना, ठीक है। मगर एक बार डेमो जरूर देख लीजिएगा। तो ये मैंने बात बता दी, आपको ISO सर्टिफाइड कराना है, एक प्रॉपर वेबसाइट आपको बनानी है, ठीक है, फिर आप अपना काम आराम से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या, वेबसाइट में सारी चीज़ें होंगी, बस आप ऑनलाइन फॉर्म भरा, सारी चीज़ें आपके पास जनरेट हो गई, बच्चे को आप रिसीप भी दे सकते हो, ID कार्ड भी दे सकते हो, सब कुछ आपको, बस एक प्रिंटर आपको लगाना है, ठीक है, बस आप सारी चीज़ें मिलती रहेंगी उसको, तो वो उसको उसको बिलीव होगा कि हाँ कुछ जेन्युइन चीज़ है, और हर चीज़ में कुछ ना कुछ उसको एक तरीके से आपका जो है ना IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें अगर आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर स्टूडियो उसी में ही काम करेगा, तो उसमें ये ऑनलाइन प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी लगना चाहिए कि डिजिटल सब काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, पेमेंट वगैरह भी डिजिटल हो रहा है, तो सारी चीज़ें वेबसाइट में इंक्लूड हैं, वो आप अगर देखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, और आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपका वो काम भी आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार आप जरूर साइट पर जाइएगा, वहाँ पर आप ISO या वेबसाइट रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।